तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, तुम्हारी एजुकेशन को ध्वस्त कर दिया गया है। मैं और भंते आनंद भी करीब 47 वर्ष से लगातार समाज के बीच में काम कर रहे हैं। हम बहुत भिक्षु कम हैं लेकिन सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं। समस्या बहुत गंभीर है। सारे SC ST OBC के सारे चिंतक, सारे थिंक टैंक यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 1950 को संविधान लागू हुआ, अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्यों जाटव जी और बहन फुले जी, ये देश 4 स्तंभों से चलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। ये चारों में तुम कितने मजबूत हो इस बात को पहले तो देख लेना। कानून संसद बनाता है, विधानसभा बनाती है, उनको इंप्लीमेंट संसद करता है, विधानसभा करता है। आप लोग कब तक ये भीख मांगते रहोगे, हमको दे दो, हमको आरक्षण दे दो, हमको पैसा दे दो, हमारा रिजर्वेशन दे दो, हमारा ये प्लांट तैयार कर दो, हमको इंडस्ट्रियल दे दो। उन लोगों से मांगने की आप इच्छा कर रहे हैं जो लोग आपका आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जो लोग आपका प्रमोशन का डिमोशन कर रहे हैं, उन लोगों का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आरक्षण किन से मांग रहे हो? आरक्षण इनडायरेक्टली खत्म हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, BSNL का प्राइवेटाइजेशन हो गया, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, BHL का हो रहा है, LIC का हो रहा है, DRDO का हो रहा है, तमाम सैनिक संस्थानों का हो रहा है, कॉलेजों का हो रहा है। मैं एक पॉइंट पर नहीं, मैं 2200 पॉइंट पर आज बोल के जाऊंगा और केवल 5 मिनट में। जाटव जी, आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये देश विधायिका से चलता है, ये देश कार्यपालिका से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। न्यायपालिका में उनके लोग बैठे हैं, कार्यपालिका में उनके लोग बैठे हैं, विधायिका में उनके लोग बैठे हैं, मीडिया में उनके लोग बैठे हैं। आप चिल्लाते रहना, मैंने देखा है कि आपने बहुत से संगठनों की मदद की है। मैं आपको 45 वर्ष से जानता हूं, आज 31 वर्ष बाद तुम्हारे कार्यक्रम में, जब रामविलास पासवान और विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट थी, मैं आपके आह्वान पर वहां पर कार्यक्रम में गया था अंबेडकर स्टेडियम में। आपने कितना काम किया है ये आप जानते हैं। आपने भीम आर्मी बनाई, भीम आर्मी का काम किया आपने, दलित पैंथर का काम किया आपने, लाड बुद्धा क्लब का काम किया आपने, DS4 का भी काम किया। DS4 को बनाने वाला व्यक्ति आपके घर में आया, सबसे पहले आपने मदद की। लोग पद लोलुपता के कारण सामाजिक आंदोलनों को बेच देते हैं, वो ऐसे लोगों से, ऐसी आइडियोलॉजी वालों से समझौता करते हैं जहां ना अंबेडकर है, न फुले है, न कबीर है, न रैदास है, न साहूजी महाराज है, न तिरुवल्लुवरम है, न नारायणन है, कोई बैकवर्ड का वहां पर महापुरुष नहीं है। आपने भीम आर्मी में काम किया, मैंने किया, उसका हश्र क्या हुआ? मैंने दलित पैंथर में काम किया, उसका हश्र क्या हुआ? DS4 में काम किया, उसका हश्र क्या हुआ? लॉर्ड बुद्धा क्लब में काम किया। जब आदमी सामाजिक आंदोलन चलाता है,
तो वो जल्दी अपनी विचारधारा पर, अपनी आइडियोलॉजी पर, बाबा साहब की विचारधारा लेकर संगठन को खड़ा करता है। फिर वो सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा में चला जाता है। यहां मिशन विशन से, समाज से कोई लेना देना नहीं, लेना देना है चाहे हम बीजेपी में जाएं, चाहे समाजवादी पार्टी में जाएं, चाहे अपनी पार्टी बनाएं, चाहे बीएसपी में जाएं, हमारा काम बनता है ऐसी तैसी में जाओ जनता। सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन के खंजर मिलेंगे, बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता बुलाना, मुसाफिर कहीं रहा मत भूल जाना। बीजेपी में जाकर वो तलाश रहा है अंबेडकर को, बीजेपी में जाकर तलाश रहा है वो आरक्षण को, बीजेपी में जाकर तलाश रहा है वो नौकरियां, बीजेपी में तलाश रहा है वो अपना सामाजिक उत्थान। जब बाबा साहब ने राजेंद्र प्रसाद के हाथ में संविधान दिया, बाबा साहब के जो 40 वरूम है उनको पढ़ना, तो आचार्य कृपलानी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संसद से बाहर आ रहे। बाबा साहब बहुत खुश थे। आचार्य कृपलानी ने पूछा, आज डॉक्टर अंबेडकर टुडे यू आर वेरी हैप्पी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, जो होना था वो हो गया, जो सदियों से लोग से जो शिक्षित नहीं थे उनको शिक्षित बनाने के लिए अधिकार दे दिया, जो सदियों से गुलाम थे उनकी बेड़ियां काट दी, जो सदियों से अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, अच्छे मकान में नहीं रह सकते थे, लोगों को दे दिया। लेकिन ताली मत बजाओ, जब बाबा साहब दोबारा आए संविधान देकर, तो बाबा साहब एक कोने में बैठकर रो रहे थे, बड़े उदास थे। नानक चंद्र तू ने पूछा, बाबा साहब अंबेडकर आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, रो क्यों रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैंने ऐसे लोगों के हाथ में संविधान दिया है जो मनुवाद के पोषक हैं, राजेंद्र प्रसाद कल शपथ लेने वाले हैं, 101 ब्राह्मणों को बनारस से बुलाया है, उनके पैर धोकर उनका आचमन लेंगे। उस आदमी से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो संविधान के नियमों का, अनुच्छेद का, आर्टिकल नंबर का वो इंप्लीमेंट करेंगे? इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यदि इंप्लीमेंट होता तो आपको बता दें, कास्टवजन में दूल्हे की बारात को रोका गया, दलित सरपंच को जो शेड्यूल कास्ट का था महिला, मध्य प्रदेश में राजस्थान में झंडा नहीं फहराने दिया गया, जगन्नाथपुरी के मंदिर में इस आदमी को, रामनाथ कोविंद को जाने नहीं दिया, उस समय मैं जगन्नाथपुरी में ही था। यहां से राजस्थान के लोग आए होंगे मूंछ रखाने पे, जितेंद्र मेघवाल का सर काट दिया गया, इंद्र मेघवाल को पानी पीने 9 वर्ष का बच्चा घड़ा छूता मार दिया जाता है। ये तुम्हारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, 2400 के 2400 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक तुम लोग न्यायपालिका में नहीं आओगे तुमको न्याय नहीं मिलेगा। कार्यपालिका में नहीं आओगे, तुम्हारे डीएम नहीं होंगे, आईपीएस नहीं होंगे, आईएएस नहीं होंगे, इंजीनियर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, आ नहीं पाओगे। तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, तुम्हारी एजुकेशन को ध्वस्त कर दिया गया है। जो लोग, हमारा बच्चा जो इंटर से लेके एमए तक जिसकी फीस गवर्नमेंट देती थी, आज उस फीस को बंद कर दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में होता था, प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज में होता था,